हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्ति की दुनिया। और ये दौज वाला दिन है, कल ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी और इसलिए टाइम नहीं मिला एडिटिंग का। तो बस आज हमारा ब्लॉग आ रहा है, तो इन्जॉय प्लीज़। और यहाँ देखिए, दिन में मैं वेदांत को खाना खिला रही थी और ये बस ऐसे ही मुझे परेशान करते हैं। मास्क ले आए थे और बस डरा दिया था। और देखिए, फिर नीचे आकर मैंने देखा तो भाई हमारी दीदी वगैरह आ गई थी हमारे वेदांत के लिए, कितना सारा खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। हमारा वेदांत बड़ा ही खुश हो गया था। फिर मैं बस अंदर किचन में आकर करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल होने रख दिए थे क्योंकि हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, थोड़ी स्पाइसी सी बनाएंगे क्योंकि त्योहारों पे ऐसी ही सब्जी अच्छी लगती है। नॉर्मली तो हम सिंपल कैसे भी बना लें तो वो, लेकिन त्यौहार पे थोड़ी भंडारा स्टाइल ही सब्जी अच्छी लगती है, जिसमें थोड़े नमक मिर्च मसाला ये सारी सब कुछ डालकर। और बस यहाँ पर मैं आलू बॉयल कर रही थी और थोड़ा ना लेट हो गया, तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि आलूओं को ठंडा भी नहीं किया है। बार बार नल चालू करके हाथ धो रही थी क्योंकि गर्म बहुत लग रहा था। फिर लिया बड़ा सा भगोना, मैंने तो एकदम भरकर सब्जी बना ली थी जो एकदम शाम तक काम आई थी, क्योंकि शाम को आ रहा था भाई। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब्जी थोड़ा बहुत लगेगा तो कुछ और बन जाएगा, वरना इतनी बना लेते हैं कि कम नहीं पड़ने वाली अब तो। और बस देखिए, यहाँ फटाफट से छौंक दी है हमने टमाटर आलू की सब्जी बढ़िया सी ग्रेवी वाली। और फिर आवाज़ आ गई कि भाई टीका करा लो, तो यहाँ बैठ गए थे टीका भी का कराने के लिए। दीदियाँ टीका कर रही हैं और हम चारों लोग बैठ चुके हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक दूसरे के साथ मस्ती चल रही है। और फिर वापस से आ गई थी किचन में सब्जी को देखने के लिए, और फिर ध्यान आया कि हाँ यार, कांजी बड़े भी बने थे, लेकिन कांजी बड़े के साथ, मतलब वो बड़े तो नहीं खाए लेकिन कांजी बड़े का पानी मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बस मैंने फिर से आकर अंदर एक गिलास पानी पिया, और ऐसी चीज़ें ना बड़ी टेस्टी लगती हैं, पेट में एकदम मज़ा आ जाता है पीकर, ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और ये पानी एकदम खट्टा होता है, राई का पानी होता है, पीली जो सरसों होती है ना उसको रख कर बनाया जाता है। 2-3 दिन लग जाते हैं इस पानी को बनाने में। सोचा यहाँ फ्रिज में यार मोटी मोटी हरी मिर्च भी रखी है, क्यों ना हम इनको भी बेसन की भरमा मिर्च बनाकर तैयार करें। वो सब चीज़ें चल ही रही थी, तो अब बनाते बनाते मतलब ये सारी चीज़ें, अब दिन शाम हो गई थी। यहाँ मेरे भैया मतलब देवर जो हैं वो ले आए थे भाई को, और इसने खाना काफ़ी लेट खाया था, लेकिन बस वीडियो में ही लग रहा है कि मैंने फटाफट से वो आया और बस खाने ही बिठा दिया, और खा पी कर बस हम सो गए थे। अब मिल रहे हैं मॉर्निंग में, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है जाने का टाइम, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ भाई के साथ। तो 6 बजे उठ गई थी रात में, तो हिम्मत नहीं थी, दिन भर बहुत थक गई थी, तो पैकिंग वैकिंग करी मैंने सुबह ही उठ के, नहाया धोया नाश्ते में पोहा खा लिया था क्योंकि सुबह सुबह कुछ और खाने का मन नहीं होता, बस पोहा चाय खाकर हम निकल गए स्टेशन के लिए। बड़े ही खुश है, हमारा वेदांत बड़ा ही खुश है। और बस जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठते ही भूख लगी, तो पापा बेड़े ही कचौड़ी वगैरह लेकर आए थे। तो देखिए, ट्रेन में हमने खड़े खड़े ही बेड़े ही कचौड़ी खाना शुरू कर दी थी क्योंकि बीच वाली सीट थी ना, तो बैठकर खाया नहीं जा रहा था। और बस ये पनीर बेड़े ही है जो आगरा की काफ़ी फेमस है और मुझे बहुत पसंद है, तो हमने बेड़े ही खाई। और खा पी कर काफ़ी टाइम था, 1-2 घंटे थे पहुंचने में, तो बस सो गए थे। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।